घरमांथी लोको अहीं आ पहोंचे तेवो दावो पण थई रह्यो छे। दिव्य दरबार में मोटी संख्या में भक्तों उमड़शे। सवारथी ज कार्यक्रमों स्थले भक्तों पहोंची रह्या छे। बाबा बागेश्वर आज राजकोट में कथा पण संभळावशे। नोंधनीय छे कि राजकोट में बाबा बागेश्वर नो बे दिवसनो कार्यक्रम छे। गईकाले मोटी संख्या में भक्तों उमट्या हता। लगभग 11 वाग्या सुधी हजारों की जनमेदनी त्यां जोवा मळी हती। रेसकोर्स मैदान में आज पण कार्यक्रम में 1 लाख थी वधु भक्तों उमड़शे तेवो दावो थई रह्यो छे। तो सतत 2 दिवस राजकोट की मुलाकात है। राजकोट में मोड़ी रात्रि धीरेन्द्र शास्त्री वीआईपी दरबार योजायो हतो। आयोजक समिति सगा संबंधी रात्र 1.5 वाग्या थी 3 वाग्या सुधी बाबा वीआईपी दरबार योजायो। रेसकोर्स दरबार पूर्ण थे बाद जनकल्याण हॉल खाते आ मोड़ी रात्र दरबार आयोजन करायु हतु। રાજકોટમાં બાબા બાગેશ્વરના દિવ્ય દરબારમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી ઉપરાંત મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા। બાબાએ ગુજરાત કે પાગલો કી જય કહીને સંબોધનની શરૂઆત કરી। રાજકોટને સંબોધતા બાબાએ કહ્યું કે રાજકોટ મને ગમી ગયું છે। રાજકોટમાં બપોરે 2 વાગ્યાથી 5 વાગ્યા દરમિયાન શ્વાન પણ બહાર નથી નીકળતું। બાબાએ વધુમાં કહ્યું કે 1 થી 2 દિવસ માટે નહીં પણ કાયમ માટે હિન્દુઓએ એક થવું પડશે ત્યારે હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનશે। न हूँ दान लेवा आव्यो छु, न हूँ मान मेळवा आव्यो छु, हूँ मात्र तमारा सौ मां हनुमानजी माटे भाव जगावा आव्यो छु। आवुं पण तेमणे कह्युं। सीताराम जीना जीना सीखना है तो आओ कभी कुछ दिन गुजारो गुजरात के राजकोट में, जहां दोपहर 2 बजे के बाद कुत्ता भी बाहर नहीं निकलता। वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हाँ, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो एक बहाना है। असलियत में तुम सबको हमें बालाजी